स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्ड प्रेस समझ लें पहले। वर्ड प्रेस क्या है? वर्ड प्रेस की बेसिकली दो वेबसाइट्स हैं। अगर आप एक वर्ड प्रेस डॉट कॉम ओपन करेंगे और एक आप करेंगे वर्ड प्रेस डॉट ओ आर जी, ठीक है, दो दो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं इसकी। लिखें मत, लिखने का कोई मसला नहीं है, छोड़ दें, सिर्फ देखें जो हो रहा है यहाँ पे देखें। अगर आप wordpress.com पे जाते हैं तो ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, आपको फ्री ब्लॉग, जैसे blogger.com था ना उसी तरह ही ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपना wordpress ब्लॉग क्रिएट करते हैं फ्री वाला, ठीक है। सिमिलरली आपके पास wordpress.org है, ये बेसिकली प्रीमियम wordpress वेबसाइट है जहाँ से आप डिफरेंट प्लगइन्स थीम्स डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वर्डप्रेस ओआरजी क्या है और वर्डप्रेस.कॉम क्या है। वर्डप्रेस.कॉम इज सेम लाइक blogger.com, ठीक है, एंड वर्डप्रेस ओआरजी इज फॉर टूल्स एंड प्लगइन्स जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लगइन्स आपको हेल्प आउट करते हैं अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज को बढ़ाने के लिए। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है वेबसाइट का जो कि आप प्लगइन्स के थ्रू ना कर सकें वर्डप्रेस में। हर काम वर्डप्रेस में प्लगइन्स के थ्रू होता है, ठीक है। प्लगइन सेम ऐसे ही है जैसे आप आपने वो फूड फैक्ट्री देखी है। फूड फैक्ट्री में क्या होता है कि एक मशीन एक होती है, उस पर डिफरेंट टूल्स लगते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो जाती है। तो वेब ये प्लगइन्स भी इस तरह ही है कि आप एक वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है उसमें डिफरेंट टूल्स ऐड करके आप अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज को बढ़ा रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप थीम्स आपको चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेतहाशा थीम्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के लुक को बेहतर बना सकते हो और एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। देखें जैसे ये है, ये सारी की सारी वेबसाइट डिज़ाइन हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हो और आपको यहाँ पे अराउंड है 250-300 के करीब थीम्स मिल जाएंगे फ्री, ठीक है। तो हमारा मेन कंसर्न होगा वर्डप्रेस डॉट कॉम से फिलहाल, ठीक है। चलें, इसके लिए आप गेट स्टार्टेड के बटन को प्रेस करेंगे या लॉगिन के बटन को प्रेस करेंगे, दोनों में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। सबसे पहले ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जो आपकी ईमेल आईडी आप ऐड करना चाहते हैं। यूजर नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, क्रिएट अकाउंट। अब आपसे ये थोड़ा सा फीडबैक आपसे पूछेगा या आपसे क्वेश्चनेयर फिल करवाएगा छोटा सा, या एक फीडबैक फॉर्म फिल करवाएगा कि आप क्या करना चाहते हो। हम नॉर्मली ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ऐसा ही है ना, ब्लॉग बनाएंगे। किस टॉपिक के बनाना चाहते हो? एजुकेशन, यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको आपसे रिलेटेड डोमेन्स या कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। एजुकेशन हमारा ब्लॉग है। कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे, अपने ब्लॉग का नाम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस कोर्स का नाम है एडवर्टाइजिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। कंटिन्यू। अब डोमेन नेम आपने सर्च करना है, जिस तरह हम वहां पे एड्रेस सर्च करते थे ना, ब्लॉगर में एड्रेस ऐड करते थे, एड्रेस सर्च करते थे, सेम यहां पे हमने अपना डोमेन नेम, डोमेन नेम और एड्रेस सेम चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डोमेन लेना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। मैंने सर्च किया, नीचे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, एडवर्टाइजिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग डॉट मीडिया फ्री है। सिमिलरली एडवर्टाइजिंग एंड कॉन्टेंट डॉट मार्केटिंग डोमेन हमारे पास है, एडवर्टाइजिंग एंड कॉन्टेंट मार्केटिंग डॉट स्कूल डॉट ब्लॉग फ्री है आपके पास। ये सारे डोमेन्स फ्री हैं आपके पास। हम नॉर्मली ये डोमेन चूज करेंगे, डोमेन चूज कर लिया आपने, आपसे पूछेगा कि आप किस पैकेज पे रहना चाहते हो और ऊपर आपके पास बटन आ रहा है स्टार्ट विद अ फ्री साइट। इस पर कन्फ्यूज नहीं होना कि सर हम सिर्फ ये पेमेंट का ऑप्शन मांग रहा है, पेमेंट पूछ रहा है। तो आप स्टार्ट विद फ्री साइट करोगे, जैसे ही आप
कंप्लीट करोगे आपके सामने इस तरह का आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा। आप देखेंगे ना ये डैशबोर्ड बड़ा बहुत सेम है जैसे हमारा ब्लॉगर का था। जैसे देखें वहां पे स्टैट्स वाला ऑप्शन था, अगर मैं स्टैट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास थोड़ी सी बेटर इंटरफेस है ब्लॉगर के से। जैसे देखें यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है सारी कि आपके कितने व्यूज़ हैं, विजिटर्स कितने हैं, लाइक कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं। सिमिलरली आपके पास पोस्ट एंड पेजेस की डिटेल है, सर्च टर्म क्या होती हैं, कौन से कीवर्ड हैं जिनके लिए आपका जो आर्टिकल है या ब्लॉग है वो रैंक हो रहा है गूगल में, या आपको उसके थ्रू ट्रैफिक आ रही है, फाइल डाउनलोड्स, आपने कोई एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जो कि जहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये डाउनलोड फाइल्स और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आपको फाइल अपलोड की हो, आपने जैसे सीवी अपलोड की है अपने, लोग उसको जितनी बार डाउनलोड करेंगे वो स्टैट्स यहाँ पे शो होते रहेंगे आपके पास। ट्रैफिक बाय कंट्रीज है, किन किन पोस्ट पे ज़्यादा क्लिक है वो आपके पास रिकॉर्ड हो रही है। रेफरल्स, ऑथर्स, अगर आप 4, 5, 6 दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं ब्लॉग पे, यहाँ आपके पास डिटेल आ रही होगी कि जो ऑथर्स हैं कौन सा ऑथर है, उसने कितनी पोस्ट की हुई है और उनकी उस पोस्ट पे कितने व्यूज़ हैं। आप हर ऑथर की वैल्यूएशन कर सकते हो इजीली। सिमिलरली वीडियोस, वीडियो आपने जो अपलोड की हुई है वो कितनी बार प्ले हुई, उसका टाइमिंग क्या है, कितने टाइम वो देखी गई, सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे शो हो रही होती हैं। इनसाइट्स में जाएंगे तो इनसाइट्स में आपको मज़ीद डिटेल नज़र आएंगी कि आपके जो पॉपुलर मंथ्स कौन कौन से हैं, पॉपुलर टाइम कौन कौन से हैं, यानी किस किस टाइम में आपका व्यूज़ देखे जाते हैं, एवरेज पर डे आपको नज़र आएगी यहाँ पे, और डिटेल्स जो यहाँ पे मौजूद हैं जैसे व्यूज़ हैं, क्लिक्स हैं, कमेंट्स हैं, वो सारे इनसाइट्स आपको नज़र आएंगे। ये इनसाइट्स बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं आपके ब्लॉग के बारे में। जब हम गूगल एनालिटिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि एनालिटिक्स किस तरह से आपको आपके बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, स्निपिंग टूल, या हम एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्राफ क्रिएट करता हूँ छोटा सा, देखें और यहाँ पे आपके पास एक साइड पे एक और यहाँ पे आपके पास टाइम है, ये टाइम आ रहा है आपके पास और ये शायद डेज हैं, जो भी आप कर लें। यहाँ पे आपके पास टाइम आ रहा है, ये 9 AM है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12, 13, 14 एंड 15, यानी 12, 1, 2 और 3 बजे। अब देखें आप जब आपने स्टैट्स ओपन किए तो आपके पास यूजर्स इस टाइम जोन में आपको स्पाइक मिलता है, हर बार मिल रहा है। सिमिलरली आपको इस टाइम जोन में एक स्पाइक मिल नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके यूज़र्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन टाइमिंग्स में, तो आपका अपना नया कंटेंट जब भी आपने पोस्ट करना है तो इन टाइम्स में करना है, ना कि इन टाइम्स में, क्योंकि ये पीक आवर्स हैं आपके ब्लॉग के। पीक आवर्स मींस पीक आवर्स आपके जो टीवी इंडस्ट्री है उसमें भी अप्लाई होते हैं कि पीक आवर्स के रेट्स और होते हैं, ऑफ पीक आवर्स के रेट्स और होते हैं एड चलाने के। सिमिलरली आपके पीक आवर्स यहाँ भी अप्लाई हो रहे होते हैं कि अपना कंटेंट पोस्ट क्या करें ज़्यादा पीक आवर्स में। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, हाँ जी सर आप लेट आए हैं, आप जा सकते हैं, ये टाइम है आने का कोई 12 बजे जी, आप डेली लेट आते हो, चले बैठे यार, ठीक है चलें। दूसरी चीज़ ये है कि आपका एक आर्टिकल लिखा हुआ आपने, ये आर्टिकल की बॉडी है, ये आपने आर्टिकल की बॉडी लिखी हुई है, ये आपकी साइड बार है,
साइड बार में डिफरेंट चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, आप एक हीट मैप होता है जब एनालिटिक्स करते हो, उसमें हीट मैप भी एक इस्तेमाल होता है। अब हीट मैप क्या करता है, आप ये जो उसमें एरिया आइडेंटिफाई करते हैं कि यूज़र इस एरिया में ज़्यादा क्लिक कर रहा है, इस एरिया में ज़्यादा क्लिक कर रहा है और इस एरिया में ज़्यादा क्लिक कर रहा है, ठीक है। वो क्लिक्स आपको शो होते हैं वहाँ पे, वो हीट मैप पे अलग नज़र आ होते हैं। जैसे आप लोग कभी वेदर मैप देखते हो ना, उसमें कुछ एरियाज हाईलाइटेड होते हैं, कुछ एरियाज रेड कलर में होते हैं, वो भी हीट मैप ही होता है। यहाँ भी हीट मैप बनता है कि फॉर एग्जांपल ये एरिया और ये एरिया इन एरियाज पे यूज़र ज़्यादा क्लिक कर रहा है। अब आपको आपको समझ आ जाएगा कि इस एरिया में जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, इस एरिया में जो इस्तेमाल हुए हैं या इस एरिया में इस्तेमाल हुए हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं आपके ब्लॉग के लिए। आपको जो नेक्स्ट ब्लॉग लिखने हैं वो इसी इस तरह के टॉपिक्स से रिलेटेड लिख रहे हैं ताकि यूजर आपको क्लिक ज्यादा मिले। आपको समझ आई? तो ये भी आपको यहाँ से पता चल रहा होता है जो आप एनालिटिक्स चेक कर रहे होते हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि ये जो बैक एंड गेम होती है ना, जो आपके स्टैट्स होते हैं, अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर सकता है, बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। सर आप मोबाइल पे स्वाइपिंग जो होती है ना, वो ये जो आपका टच है ना, ये आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं सारे। जिस पॉइंट आप सारा प्रेशर लगाते हो वह टच ही होता है। आप आपने एक आर्टिकल ओपन कर उसको स्वाइप करते रहो, उस पर टच भी हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि उस पर लिंक नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी वो हीट मैप आपको बता रहा होगा कि यूजर इन इन जगहों पर ज़्यादा क्लिक कर रहा है। हमारी आदत है ना, जब हम आर्टिकल पढ़ रहे हो, जैसे मैं आर्टिकल को पढ़ रहा होता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करता रहता हूँ, ये देखें जैसे ये या ये, इस तरह क्लिक होता रहता है। आप नॉर्मली क्लिक करते हो, आपकी आदत है कि आपको ये वर्ड अच्छा जी ये अफ्रेड वर्ड अच्छा लगा, आपने इसको हाईलाइट कर दिया, वैसे ही हाईलाइट कर दिया अनइंटेंशनली, ठीक है। तो हमें इसे यूज़र का, अब देखें फॉर एग्जांपल यही वर्ड अगर 100 लोगों ने इसको हाईलाइट किया हुआ है या इस पर क्लिक किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? आप सबके माइंड सेम है? नहीं, माइंड सेम नहीं होते। क्या है? आपके इंटरेस्ट सेम मिलते हैं, तो हमें इन टॉपिक्स पर लिखना पड़ेगा ज़्यादा। ये बड़ी सारी डिटेल समझा रहे होते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपकी सारी डिटेल्स आ गई। अगर आप अपनी वेबसाइट का प्लान चेंज करना चाहते हो फ्री वेबसाइट से प्रीमियम वेबसाइट पे, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली साइट, आपके पास यहाँ पेजेस क्रिएट करने का ऑप्शन मौजूद है, आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो। टॉप मेन्यू में आपके पास ऑप्शन आ रहा है ड्राफ्ट, आपका कोई पेज अनकम्प्लीट है आप उसको सेव्ड छोड़ सकते हो। सिमिलरली स्केजुल्ड, आपका आप चाहते हो कि कोई पेज, जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट्स आते हैं, 14th अगस्त आता है, आपने एक पेज बनाया 14 अगस्त के लिए और आप चाहते हो कि 14th अगस्त की सुबह जो 9 बजे 10 बजे वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए, तो आप अपने किसी पेज को स्केजुल कर सकते हो। सिमिलरली ट्रैश्ड, आपके जो डिलीटेड पेजेस हैं वो आपके ट्रैश्ड में शो होंगे। नीचे आते हैं पोस्ट का मेन्यू, आपको पता ही है पोस्ट क्या होती हैं और पेज में और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। पोस्ट एक ब्लॉग आर्टिकल होता है और पेज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड। नीचे आते हैं मीडिया, मीडिया में आप कोई भी चीज़ ऐसी जो कि मीडिया से रिलेटेड हो आप अपलोड करते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई फाइल अपलोड करते हो, पीडीएफ फाइल अपलोड करते हो, कोई इमेज, कोई MP3 फाइल, सॉन्ग हो गया, कोई ऑडियो हो गई या कोई वीडियो अपलोड करते हो, सारी की सारी मीडिया में शो होगी आपको, ठीक है। सिमिलरली कमेंट्स का ऑप्शन आपको पता है क्या है? पता है कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी जो भी जो व्यूअर है आपका, जो रीडर है आपका, वो अगर आपके ब्लॉग पे कोई कमेंट करता है वो इस पोर्शन में शो होगा। उसमें पेंडिंग है, पेंडिंग का मतलब ही क्या है कि अभी तक अप्रूव नहीं किया आपने उसको, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो कमेंट करेगा पेंडिंग में आएगा। जो इसका नाम जो हमारे पास था ना ब्लॉगर में, वो मॉडरेशन था कि कमेंट मॉडरेशन में चला गया। अप्रूव्ड, सारे अप्रूव्ड कमेंट्स यहाँ शो होंगे। स्पैम, आपको स्पैम की एग्जाम्पल मैं बहुत डिटेल में दे चुका हूँ, याद है? yes. चलें, ट्रैश डिलीटेड कमेंट्स यहाँ शो होंगे आपके। फीडबैक रहने दें। डिज़ाइन में आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, कस्टमाइज एंड थीम्स, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट। टूल्स में आएंगे, आपके पास ऑप्शन आएंगे प्लगइन्स, अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है तो इस ऑप्शन से होगा। कोई चीज़ आपने इस वेबसाइट का बैकअप लेना है तो आप एक्सपोर्ट करेंगे बैकअप, यानी आपकी वेबसाइट का सारा कंटेंट बैकअप बन जाएगा, आप उसको किसी और वेबसाइट पर मूव कर सकते हो।
अगर आपने ब्लॉगर का जो बैकअप, जो आपने ब्लॉगर का ब्लॉग बनाया उसका बैकअप यहाँ पे लेके आना है, यानी उस वेबसाइट को यहाँ मूव करना है, तो आप उसको इम्पोर्ट करोगे। ऑप्शन मौजूद है सारे आपके पास कि ब्लॉगर को यहाँ लेके आना है, वर्डप्रेस वेबसाइट को मूव करना है, गो डैडी, मीडियम, स्क्वेयर स्पेस, विक्स, सारी वेबसाइट्स यहाँ पे मूव हो सकती हैं। नीचे आते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग में टूल्स हैं, छोड़ दें इसको, अगर बूस्ट करना चाहते हो अपने पोस्ट को तो ये पेड टूल्स हैं, हो जाते हैं। अर्निंग, ये आपका जो वहाँ पे हमारे पास अर्निंग वाला पोर्शन था ब्लॉगर में गूगल एडसेंस का, ये वो सेम वही चीज़ है, बट इसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। देखें अपग्रेड टू प्रीमियम, ठीक है। एक्टिविटी, आप एक एक एक्टिविटी आपकी ट्रेस हो रही होती है कि आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट पेज ऐड किया, ब्लॉग का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेट की है, ये सारी एक एक एक्टिविटी ट्रैक हो रही होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं समझ आती कि आपके दोस्त ने क्या चेंजेस किए हैं, आपने क्या चेंजेस किए हैं, वो यहाँ यहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है, आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। सिमिलरली नीचे आते हैं मैनेज। मैनेज यहां पे आपके पास होस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, छोड़ दें इसको क्योंकि इसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा इसके डोमेन्स। डोमेन मतलब आपका एड्रेस, आप चाहें तो शायद एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। यस, यू कैन चेंज योर वेबसाइट एड्रेस एनी टाइम, ठीक है। पीपल, आप चाहते हैं लोगों को आप ऐड करें अपने ब्लॉग पे इन डिफरेंट रोल्स में। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो ऑनर है ब्लॉग का, ठीक है, वो ऑब्वियसली एडमिन होगा, आप चाहते हैं उसमें एडिटर ऐड करें। अच्छा मैं ये वेरीफाई कर दूं एक बार, आपके ब्लॉग में हर बंदे के पास डिफरेंट पावर्स होंगी, एडमिन के पास डिफरेंट पावर होगी, एडिटर के पास डिफरेंट होगी, ऑथर, कंट्रीब्यूटर एंड व्यूअर, इन सब के पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होंगी। अब इनकी पावर्स क्या हैं आपने घर से कल देख के आना है, सिंपल गूगल करना है आपने वर्डप्रेस एडमिन रोल्स, आप सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको एक पूरा छोटा सा एक आर्टिकल मिल जाएगा, इसमें सारी डिटेल एक्सप्लेन की है उन्होंने, एडमिन के पास क्या रोल है, एडिटर के पास क्या रोल है, ऑथर, कंट्रीब्यूटर एंड सब्सक्राइबर। आप लोगों के लिए ईज के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको मैं। जो एडमिन है उसके पास सारी की सारी एक्सेस होती हैं, वो अपनी वेबसाइट में कोई भी चेंज करना चाहे चेंज कर सकता है, कोई प्लगइन ऐड करना चाहे ऐड कर सकता है, कोई चीज़ डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकता है, किसी मेंबर को ऐड करना चाहे कर सकता है, मेंबर को डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकता है, यानी कि वो सुपर पावर होती है उसके पास। नीचे आते हैं एडिटर, समबडी हु कैन पब्लिश एंड मैनेज पोस्ट इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ अदर यूजर्स, यानी एडिटर जो होता है वो सिर्फ सिर्फ पोस्ट पेज की एक्सेस होगी, उसको पेजेस की भी एक्सेस नहीं होगी, यानी सिर्फ और सिर्फ वो जो आर्टिकल्स होते हैं ब्लॉग आर्टिकल्स उनमें चेंजेस कर सकता है या उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑथर है, समबॉडी हु कैन पब्लिश एंड मैनेज देयर ओन पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल अली है, अली ने अगर कोई ब्लॉग पे पोस्ट की हुई है ना, अगर मैं अली को एज ए ऑथर ऐड करता हूँ तो अली सिर्फ और सिर्फ अपनी पोस्ट ऐड कर सकता है और अपनी पोस्ट में चेंजेस कर सकता है। एक किसी थर्ड पर्सन को मैंने ऐड किया हुआ है तो उसकी ना वो पोस्ट ऐड कर सकता है उसके नाम से, ना उसमें एडिटिंग कर सकता है, ना ही किसी और की पोस्ट को डिलीट कर सकता है, ठीक है। कंट्रीब्यूटर, समबडी हु कैन राइट एंड मैनेज देयर ओन पोस्ट बट कैन नॉट पब्लिश देम, यानी आप उसको अगर कंट्रीब्यूटर ऐड करोगे वो पोस्ट ऐड तो कर सकता है बट वो ड्राफ्ट में पड़ी रहेगी, या तो उसको एडिटर अप्रूव करेगा या एडमिन करेगा, इवन के ऑथर के पास भी पावर नहीं है कि वो उसकी पोस्ट को अप्रूव कर सके क्योंकि वो अपनी पोस्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली सब्सक्राइबर, समबॉडी हु कैन ओनली व्यू देयर पोस्ट एंड प्रोफाइल्स, यानी अगर कोई बंदा आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब करता है तो सिर्फ आपकी पोस्ट को देख सकता है, ना उसमें चेंज कर सकता है, ना ऐड कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, हाँ कॉमेंट कर सकता है, ठीक है। ये पावर्स होती हैं इसकी, आप लोगों को डिफरेंट रोल्स में ऐड कर सकते हो। नहीं, जरूरी नहीं है। सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में वही सारी की सारी चेंजेस हैं, आपने ब्लॉग का टाइटल चेंज करना है, टैगलाइन चेंज करनी है, परफॉर्मेंस देखना चाहिए अपने ब्लॉग की वो देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रीमियम अकाउंट चाहिए आपको। राइटिंग,
इसमें हम बाद में आते हैं कि ये क्या चीज़ है, एंड डिस्कशन इस पर भी बाद में आते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा, अगर मैं अपनी वेबसाइट ब्लॉग एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये, ठीक है, आप देखेंगे, आप कहेंगे सर ये भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है, बट हमारा डैशबोर्ड इस तरह का क्यों नहीं है, डैशबोर्ड इसका डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। देखें ये और इसमें, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, ये रहा, ये फजूल सा लग रहा है, नहीं होस्टिंग है, कस्टमाइज किया हुआ है, नहीं कस्टमाइज नहीं किया हुआ। देखें आप लिंक चेक करें, wordpress.com है ना, ये यहां पे क्या आ रहा है, डोमेन को छोड़ दें, यहां पे क्या आ रहा है, डब्ल्यूपी एडमिन आ रहा है ना। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम अपनी वेबसाइट के आगे डब्ल्यूपी एडमिन लगा देंगे तो हम डैशबोर्ड, असल वाला डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा एक लेमैन वाला डैशबोर्ड था जो आपको यहां पे नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको एक्सेस करने के लिए हमें डब्ल्यूपी डैश एडमिन लिखना जरूरी है डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए। देखिएगा ये वेबसाइट हमने लिखी है, हमारी वेबसाइट ये है एडवर्टाइजिंग एंड कॉन्टेंट मार्केटिंग डॉट ब्लॉग, यही है, यही है स्लैश डब्ल्यूपी डैश एडमिन। लिखेंगे तो आपके पास डिटेल्ड डैशबोर्ड आ जाएगा आपका, जो कि आपकी वेबसाइट का रियल टाइम कंट्रोल पैनल होगा। ये देखें, ठीक है, ये वेबसाइट का आपका डिटेल्ड कंट्रोल पैनल है जहां से आपकी वेबसाइट की हर चीज़ कंट्रोल होगी। यहां पे देखिएगा, वहां से यहाँ, वहां में और यहां में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल स्टैट्स वहां भी थे, यहां भी हैं, बाकी छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। प्लान, अगर आप प्रीमियम प्लान पर जाना चाहते हैं, अपने प्लान्स को यहां से चेंज कर सकते हैं। पोस्ट थी वहां पे, यहां भी हैं। मीडिया, आपको बताया था कि आप कोई भी इमेजेस वगैरह अपलोड करोगे तो यहां पे होगा वो। लिंक्स छोड़ दें इसे, पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। कमेंट्स, फीडबैक वहां भी था, यहां भी है। फीडबैक क्या है, ये आपने कोई पोल क्रिएट करना हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं फीडबैक लेना चाहते हैं यूजर्स से, तो आप ये पोल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जिसे आप 5 ऑप्शन दे दें, लोग उस पर क्लिक करते रहें, फिर आप एंड पे उसको एनालाइज कर लेंगे कि पब्लिक पोल ये कहता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये बंदा होगा। ठीक, अपेरेंस थीम्स थे वहाँ पे, मैंने कहा था थीम चेंज कर सकते हैं आप। कस्टमाइज वहाँ भी था, आता हूँ कस्टमाइजेशन क्या है। विजिट्स ब्लॉगर में भी थे, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता था, लेआउट्स में, वहाँ से विजिट्स ऐड करते थे। मेन्यू, टॉप मेन्यू जो हम वहाँ पे, हमारे पास क्रॉस बार नहीं आ रही थी जहाँ पे हम पेजेस क्रिएट करते थे, नहीं समझ आ रही, चलें अगर आ रही तो वेरी गुड। तो आप मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो, प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहो प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, बट फ्री प्लान में आप कोई भी प्लगइन अपलोड नहीं कर सकते, दैट्स फॉर श्योर। यूजर्स वहाँ भी थे, यहाँ भी है कि आप यूजर्स को इनवाइट कर सकते हो डिफरेंट रोल्स में। टूल्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ भी था। सेटिंग्स हमारे पास, इन सेटिंग्स को हम कल की क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये सेटिंग्स क्या कहती हैं, और इनकी एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। समझ आ गई इतनी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आर यू श्योर, कोई कंफ्यूजन नहीं है जी सर, क्योंकि पहले लॉगिन था वो पहले ही, आप लेट आए हो ना इसलिए पीछे हो बहुत। आपको वेबसाइट पहले वर्डप्रेस साइन अप करना पड़ेगा, फिर एडमिन ओपन होगा ना। हाँ जी, जाहिर सी बात है,
साइन इन रहेगा वो, अगर इनकॉग्निटिव मोड में चलाई गई है फिर तो ऑफलाइन हो जाएगा ना, फिर तो साइन आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है चलें, आज आप लोगों को थोड़ी सी मैं और डिटेल समझाऊंगा इसकी कि ब्लॉगर में ये था। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर एक वेबसाइट है बल्कि उसी पे काम कर लेते हैं ताकि सब लोगों को पेंट, चलें आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल तीन चार कैटेगरीज हैं, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हम एक न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, या न्यूज़ छोड़ें, हम खाने पीने की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं खाने की, वहाँ पे आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज होंगी जाहिर सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल चिकन, मीट या बीफ, वेजिटेबल्स, राइस, मटन, तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं जैसे। ठीक है जी, और कोई बताएं, फिश, पिज्ज़ा, अच्छा ये कैटेगरी है, अलग फूड कैटेगरी है। चलें बहुत हो गया, जब इसको हम वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करेंगे फिर आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा, आप लोगों के सारी डिशेज ऐड करूंगा मैं इंशाल्लाह, फिलहाल इतनी काफ़ी है। आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप कहते हैं कि सर अगर हम कोई चीज़ वेजिटेबल वाले पोर्शन में पोस्ट करें ना तो वो यूज़र को सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल वाले पोर्शन में नज़र आए, चिकन बीफ के साथ मिक्स ना हो बुरा हो जाएगा, वेजिटेबल्स फिश के साथ मिक्स ना हो, यानी अगर जो पोस्ट हम वेजिटेबल वाले पोर्शन में कर रहे हैं वो सिर्फ वेजिटेबल वाले पोर्शन में रहे और किसी पोर्शन में ना नज़र आए यूज़र्स को, ऐसा ही होना चाहिए ना। ब्लॉगर पे हम ये काम नहीं कर सकते थे बट हम वर्डप्रेस में ये काम कर सकते हैं। सिमिलरली आप चाहते हो कि ये जो कैटेगरीज आपने क्रिएट की हैं वो यूज़र को टॉप मेन्यू में, जैसा कि हम, ये आपका मेन्यू है, आप कहते हो कि यूज़र को टॉप मेन्यू में भी यही जो कैटेगरीज हैं नज़र आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूज़र चिकन की डिशेज देखना चाहता है, चिकन लिखा हो और यूज़र चिकन की डिशेज देख सके। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारे पास, अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर लिखा हो बीफ तो बीफ की डिशेज पे क्लिक करें तो सारे के सारे बीफ की डिशेज आ जाएं। यानी कैटेगरीज को मेन्यू में ऐड करना, वहाँ हमारे पास ऑप्शन था पेज को मेन्यू में ऐड करना, कैटेगरीज वहाँ पे ना बना सकते थे हम लोग ना उसको मेन्यू में ऐड कर सकते थे, ऐसा ही है ना। बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम कैटेगरीज को भी मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं आज सिर्फ वही सीखेंगे और कोई काम नहीं करना हमने। यस बना सकते हैं, कर सकते हैं, वही कमाने लगा, वही कमाने लगा हूँ, देखे ना सही सीट ऊंची करें। चलें ये देखें, आप जब अपने पोस्ट वाले पोर्शन में जाओगे आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज नजर आ रहे हैं, आप कैटेगरीज में जाओगे यहां पे आप अपनी सारी की सारी कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि हमने यहां पे कैटेगरीज कुछ क्रिएट की, जैसे चिकन बीफ, और कुछ कैटेगरीज हमारी गायब हो गई हैं, कोई बात नहीं हम दोबारा क्रिएट करते हैं उनको। देखें अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक कैटेगरी शो हो रही है यहाँ पे जिसको अनकैटेगराइज कहते हैं। आपने मजीद कैटेगरीज ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल
चलें जी, मुझे कैटेगरीज ऐड करवाएं फूड की। अब बोलें चिकन, चिकन मैंने ऐड की यहाँ पे, कैटेगरी लिखा नेम और ऐड न्यू कैटेगरी, एक कैटेगरी चिकन ऐड हो गई। नेक्स्ट बीफ, ये कैटेगरी मैंने ऐड कर दी बीफ। और मटन है, देखें हैं गुजरा वाले वाले सारे, यानी मटन बीफ चिकन से नीचे बात नहीं करते, सही है। मटन ऐड कैटेगरी, राइस, चलो जी मैंने कैटेगरी ऐड कर दी। और दो कैटेगरी ऐड कराए मुझसे, मुझे और चाइनीज, इटालियन। अच्छा अब सारे ब्रांडेड इस तरह बन रहे हैं जिस तरह के आप लोग जद्दी पुश्ती वहां से हैं। चलें खैर ठीक है। अच्छा चलें, ये जिसने जिसने ब्रिटिश कहा, इटालियन कहा और चाइनीज कहा, मैडम मुझे चार चाइनीज डिशेस के नाम बताएं। नहीं अच्छा अब देखेंगे पीछे किसने कहा, हालांकि कहा उन्होंने होगा जिन्होंने देखा पीछे। जी सर ब्रिटिश को पांच डिशेस के नाम बता दें ब्रिटिश। नहीं सर आपने चाइनीज नहीं कहा, ब्रिटिश कहा आपने जी। नहीं नहीं आपने, अच्छा वो अपने से नाम बना रहा है। चलें देखें, अच्छा अब देखें, अगर फन एक अलग चीज है, अगर आपने चिकन मुझे लिखवाया तो इसके नीचे अलग कैटेगरीज भी होंगे ना चिकन की, और डिशेज होंगे चिकन की। हम चाहते हैं कि चिकन के डिशेज उनके सब मेन्यू में शो हो और कहीं पे मिक्स ना हो, ऐसा ही है ना। तो इसके लिए आपको सब कैटेगरीज क्रिएट करनी पड़ेंगे। चलें चिकन की सब कैटेगरीज बनवाएं मुझे। चिकन, चिकन अलाव, पुलाव। अच्छा देखें चिकन पुलाव, अब चिकन की सब कैटेगरी होना चाहिए, ऐसा ही है। इसका मतलब है इसकी पेरेंट कैटेगरी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास पेरेंट कैटेगरी आ रही है, पेरेंट कैटेगरी में आपके पास सारी मेन कैटेगरी जो आपने क्रिएट की है वो शो हो रही है। इसका मतलब है जो चिकन पुलाव आएगा वो आपका राइस में आएगा या चिकन में आएगा, चिकन में आ जाएगा। चले हम चिकन में ऐड कर देते हैं उसको, ऐड न्यू कैटेगरी। जैसे ही आप सब कैटेगरी ऐड करेंगे तो आपके पास ये चिकन पुलाव आ गया, इसके साथ एक डैश लाइन बनी हुई है, ऊपर चिकन है नीचे डैश लाइन बनी। इसका मतलब ये हुआ कि ये चिकन की सब कैटेगरी है। अब पुलाव की मुझे सब कैटेगरीज बनवाएं दो, काबली पुलाव, चिकन नहीं होता उसमें। नहीं चले सर हम ऐड कर लेते हैं, उन्होंने कह दिया मासूम लोग हैं कहते हैं पुलाव, काबली पुलाव सर होता है होता है। अच्छा ये ऐड कर दिया मैंने, चिकन पुलाव ऐड कैटेगरी। देखिए अब मैंने इसके सब कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी चेंज की है चिकन पुलाव, ठीक है। अब देखें अब क्या है, इसके साथ दो डॉटेड लाइंस हैं, इसका मतलब है ये इसकी सब कैटेगरी है, अगेन ये इसकी सब कैटेगरी है, ठीक है। अब काबली पुलाव की कैटेगरी बनवाओ जी आगे, अच्छा अफगानी पुलाव, ठीक है मान लेंगे हम बात आपकी। अफगानी पुलाव, अफगानी पुलाव सब कैटेगरी है काबली पुलाव की, ठीक है। अच्छा ऐड न्यू कैटेगरी, जैसे ऐड किया इसके साथ तीन डॉटेड लाइंस आ गई हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कैटेगरी है काबली पुलाव की, यानी आप कैटेगरीज बनाते जा रहे हो। सिमिलरली आप राइस की सब कैटेगरीज बना सकते हो। जी सर राइस की कोई बताएं कैटेगरीज, नहीं नहीं आप नहीं, आप लोगों का कोई हक नहीं है। चिकन मंचूरियन, अच्छा ये राइस की डिश है सर मान लें। चिकन मंचूरियन उन्होंने कौन सा रोज रोज कहना है, चिकन मंचूरियन हम आर्गू नहीं कर सकते सर बताएं। जी जी बिल्कुल 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 आपकी बात बिल्कुल ठीक है 100%। आप चुप हो जाएं प्लीज ना बात करें। जी बताएं इसको किस कैटेगरी में ऐड करूं मैं, राइस में, राइस में ऐड करते हैं। ओके डन, राइस ऐड ऐड कैटेगरी, ठीक है चले मैंने ऐड कर दिया। अच्छा ये मुझसे गलती हो गई है, नहीं गलती नहीं हुई, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने ये राइस की कैटेगरी में ऐड करना था, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है एडिट का। आप किसी भी कैटेगरी को एडिट करके उसकी सब कैटेगरीज को चेंज कर सकते हो
ये आपके पास ऑप्शन हर टाइम मौजूद रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी चेंज कर सकते हो। चलें, अच्छा अब आती है बात हमारी और कैटेगरीज क्रिएट करने की, यानी हम दो तीन और कैटेगरीज क्रिएट करते हैं ताकि हमारा मेन्यू एक ब्रॉड मेन्यू बने, आपको समझ आ जाए। ये हमने ऐड कर दिया राइस, अच्छा चिकन मंचूरियन हमने ऐड कर दिया, मटन की कुछ डिशेस बताओ यार, मटन की, मटन पुलाव, मटन पुलाव, ठीक है ओके भाई, गुजरा वाला वाले हैं, मटन पुलाव किसकी कैटेगरी है अभी ये, मटन की, एक चीज दोनों कैटेगरी में आ रही है, कोई मसला नहीं है, आ जाएगी वहां से। हम जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं ना तो बस ऑप्शन होता है कि किस किस कैटेगरी में आपने शो करवाना है, इसको हो जाएगा। अब बताएं किस में ऐड करूं इसको, मटन में, ठीक है। अब मटन पुलाव की दो तीन डिशेज समझा दें, मटन काबली पुलाव, इसको इसकी कैटेगरी कौन सी रखें हम, मटन पुलाव, ठीक है ओके डन। चलें चाइनीज, कोई चाइनीज वैसे ही नाम बता दो, चाइनीज में हमने कुछ चीजें ऐड करनी है, अच्छा नाम है चिकन जी, शाश्लिक, चिकन चुन चुन शाश्लिक, ठीक है जी, चाइनीज डन एडेड, आपके हर बात मान रहे हैं। और कोई एक और, अच्छा वो उनके सामने जो साहब बैठे हैं वो पीछे बता रहे हैं लेकिन उनकी नहीं सुन रहा है एक भी वो चिकन चिकन जिंजर, चले चिकन जिंजर हमने चाइनीज में ऐड कर दिया। अब बात आती है कि हमने एक कैटेगरीज तो क्रिएट कर दी बट हमने इन कैटेगरीज को मेन्यू में दिखाना है, मेन्यू में दिखाने के लिए देखें मेन्यू में कैसे दिखाना है, ये हमारी वेबसाइट है, अगर हम अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो फिलहाल हमारी वेबसाइट के मेन्यू में कुछ नहीं ऐड हुआ हुआ। हम चाहते हैं कि जो कैटेगरीज हमने क्रिएट की हैं ये हमारे मेन्यू में आ जाएं। और एक चीज हमेशा जहन में रखिएगा, कैटेगरीज हमेशा पोस्ट की बनती हैं, पेजेस की कैटेगरीज नहीं बनती, ठीक है। अगर आप पेजेस में जाएंगे, देखें ये अगर हमारा पेजेस वाला पोर्शन है, देखें यहाँ पे आपके पास कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा, आपके पास ऐड न्यू आ रहा है पेज, कैटेगरी का नहीं है। अगर आप पोस्ट में जाते हैं तो पोस्ट में कैटेगरीज का ऑप्शन मौजूद है। अब आती बात मेन्यू में ऐड करने के लिए, तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आप अपेयरेंस में जाएंगे तो आपके पास मेन्यूज आ रहे होंगे, मेन्यू आपने क्लिक करेंगे मेन्यू पे तो ये देखें आपके पास यहाँ पेजेस आ रहे हैं, आप पेजेस को मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, आप पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, कस्टम लिंक्स ऐड कर सकते हैं या कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम अपनी जो कैटेगरीज उनको ऐड करते हैं और जो चीज़ें मेन्यू में पहले अवेलेबल हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट मैंने कर दिया, रिमूव कर दिया। अब देखिए आप कैटेगरीज पे जाएंगे तो आपके पास व्यू ऑल करेंगे, आपके पास सारी वो कैटेगरीज जो आपने क्रिएट की हैं अपनी वेबसाइट पे वो शो हो जाएंगी, ठीक है। आप सेलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ से अनकैटेगराइज को अनचेक करेंगे और ऐड टू मेन्यू, जैसे ही मेन्यू में ऐड करेंगे इसको, देखें आ गई मेन्यू में। अभी मेन्यू अगर मेन्यू में हम ऐड करते हैं, सेव मेन्यू करते हैं, मेन्यू सेव हो गया, इसको मैंने वेबसाइट को रिफ्रेश किया तो मेरे पास मेन्यू में अगेन कुछ नहीं आया, अगेन मिस्टेक, क्या मिस्टेक हुई हमसे। अगर आप बॉटम पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके पास आ रहा है मेन्यू सेटिंग्स, मेन्यू सेटिंग में आ रहा है कि डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी सोशल फुटर मेन्यू एंड सोशल लिंक्स,
प्राइमरी मीन्स ऊपर वाला टॉप वाला हेडर, फुटर मीन बॉटम पे, और सोशल लिंक्स मतलब आपके फेसबुक और ट्विटर लिंक्डइन के लिंक्स। हमने अगर इसको प्राइमरी लोकेशन पे शो करवाना है, इट मींस हेडर में शो करवाना है, इस ऑप्शन को आपने चेक करना है। सेव करें अगेन मेन्यू को। जैसे ही मेन्यू सेव हुआ, वेबसाइट को रिफ्रेश करें, आपके पास मैस बन गया पूरा। देखें हर चीज मेन्यू में शो हो रही है, बट एक मैस बना हुआ है। सब कैटेगरीज जो हमें बनाई थी वो सब कैटेगरीज नहीं बनी हुई। उसको बनाने के लिए देखिएगा, आप दोबारा मेन्यू में जाएंगे। बीफ था, चिकन पुलाव था ना, ये चिकन की कैटेगरी रखी हुई थी हमने, ऐसा ही है। या अगर आपको मसला आ रहा थोड़ा सा, तो अपना जो आपने कैटेगरीज क्रिएट की थी उसको एक बार ओपन कर लेंगे, ताकि हमें वहाँ से आइडिया हो जाए कौन सी कैटेगरी हमने किसना बनाई है। देखें बीफ है, बीफ है, उसके बाद चिकन, चिकन पुलाव, चिकन पुलाव चिकन की कैटेगरी है। इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे ना, देखें ड्रैग किया, इधर हो गया, सब आइटम बन गया, ऐसा ही है। उसके बाद देखें अब काबली पुलाव चिकन पुलाव की सब कैटेगरी है, इसका मतलब है ये चिकन पुलाव की सब कैटेगरी बनना चाहिए, ऐसा ही है। इसको ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा और ड्रैग कर देंगे, इसके अंडर ले जाएंगे, इसकी सब कैटेगरी बन जाएगी। नीचे आएंगे, अफगानी पुलाव है, अफगानी पुलाव काबली पुलाव की सब कैटेगरी है, इसको क्या करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे, काबली पुलाव से थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप है सारा। नीचे आते हैं चाइनीज, अच्छा उसके बाद ये डिश है, इसकी सब कैटेगरी है, ये मैंने इसकी सब कैटेगरी क्रिएट की, ये इसकी सब कैटेगरी क्रिएट हो गई, ठीक है। ये चाइनीज की दोनों सब कैटेगरीज हैं। इटालियन है, कोई कैटेगरी नहीं है इसकी। मटन है, मटन पुलाव है, ये मटन पुलाव सब कैटेगरी, और ये इसकी सब कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद राइस, चिकन मंचूरियन राइस की सब कैटेगरी है, तो ड्रैग किया ड्रॉप। क्योंकि मेन्यू आप डिसाइड करते हो, मेन्यू एक अलग चीज है, कैटेगरी एक अलग चीज है। मेन्यू में चीजें आप खुद ऐड करते हो और आप खुद बताते हो कौन सी किस कैटेगरी में रखनी है आपने, ये कौन से मेन्यू के अंडर आनी चाहिए, ठीक है, वो आपको खुद करना पड़ेगा। इसको आप सेव करेंगे, सेव किया, वेबसाइट को रिफ्रेश करें, ये देखें चिकन, ये सब कैटेगरीज बन चुकी हैं। आपको ये डॉट्स इसलिए शो हो रहे हैं कि ये मेन्यू का, ये जो आपका थीम है ना, थीम के डिफरेंस की वजह से, अदरवाइज आपका मेन्यू बहुत अच्छा बनता। हम थीम चेंज करके देख लेते हैं। थीम चेंज करने के लिए आप जाएंगे अपीयरेंस और थीम्स। कोई थीम हम दूसरा चेंज करते हैं, जैसा कि हम थीम चूज कर लेते हैं, फूड एक्टिवेट। रिफ्रेश करें, इसमें भी डिफरेंस है, ठीक है। ये थीम की वजह से आपको कैटेगरी सही नजर नहीं आ रही, अदरवाइज सब कैटेगरीज सही बनी। थीम और चेंज करके देख लेते हैं, और कोई थीम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम थीम चेंज करते हैं, ये वाला चेंज करके देख लें, फ्री वेबसाइट पे नहीं कर सकते, फ्री ब्लॉगर पे या फ्री वर्डप्रेस पे नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रीमियम है तो प्रीमियम में आप कर सकते हैं। प्रीमियम में आप इसका जो मेन्यू है ना, मेन्यू को भी अपनी मर्जी से स्टाइल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, वेबसाइट यस विद सब मेन्यूज, होस्टिंग और डोमेन दोनों शामिल होती हैं। आप टेक्निकल वाले हो ना, पहले टेक्निकल कोर्स में थे? नो सर। अच्छा, वो चलती हैं लेकिन उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ये देखें सब मेन्यू जो क्रिएट होगा ना आपका, इस तरह से क्रिएट होगा, ये देखें
वो आपको थीम के डिफरेंस की वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फ्री है तो फंक्शनैलिटीज़ कुछ लिमिटेड होती हैं, अदरवाइज मेन्यू ऐसा ही क्रिएट होता है। हम इसको एक्टिवेट करके देख लेते हैं। नहीं, इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। बस ठीक है, मैंने दिखा दिया ना आपको, देखिए सब मेन्यू इस तरह से क्रिएट होता है जैसे ये सब मेन्यू क्रिएट हुआ हुआ, ठीक है। तो आप सब मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो। ये तो हो गया मेन्यू ऐड करने तक। मेन्यू में आप पेजेस भी ऐड करना चाहो पेजेस भी ऐड कर सकते हो, पोस्ट ऐड करना चाहो पोस्ट भी कर सकते हो, जो दिल चाहे आप कर सकते हो। इतना काफ़ी है, और पढ़ना है आगे? कितने लोग कहते हैं और पढ़ना है वर्डप्रेस? कितने लोग कहते हैं नहीं पढ़ना और? कितने लोग कहते हैं और नहीं पढ़ना? बाकी क्या कहते हैं? मर्जी, यही लगता है मुझे। बाकी थोड़ी देर बाद जब वापस आएंगे तो वो ना गिलगित बल्तिस्तान घूम के वापस आ चुके होंगे। चलो,